किसी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है अपन देख चुके हैं। किसी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन, करेक्ट। मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया हमें पता है। अभी हम बात करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है। किस पर? करंट कैरिंग कंडक्टर पर। सपोज करो यू हैव अ कंडक्टर, ये तुम्हारे पास में कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसमें जिसमें आई करंट फ्लो रहा है। कितना करंट फ्लो रहा है? आई। और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल। ये कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो रहा है, जिसकी लेंथ एल है। इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा। किसी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो रहा आई, जिसकी लेंथ है एल, को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगाएगी इस कंडक्टर पर? हाउ मच फोर्स विल बी एक्टेड ऑन दिस कंडक्टर बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? तो वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो होगा आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी यानी कितना? आई एल बी साइन थीटा। ये होगा फोर्स। फोर्स की रिएक्शन कैसे निकालोगे? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हो? दोनों में जो पहला वेक्टर होता है उस पर राइट हैंड ऐसे रखते हो कि दूसरा वेक्टर अथेरे से निकले। दोनों में से जो पहला वेक्टर है उस पर राइट हैंड ऐसे रखेंगे भाई, ऐसे रखूँ, ऐसे रखूँ, ऐसे रखूँ, कैसे रखूँ? ऐसे रखूँ, मैग्नेटिक फील्ड अथेरे से निकले, अंगूठा कहाँ गया? तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी। बोलो यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। बोलो आई एल बी साइन थीटा है साहब। अब इसका अगर स्पेशल केस देखें अपन, इसके स्पेशल केस में क्या है? अगर मान लो कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा तो एंगल कितना बनेगा? इस केस में एंगल जीरो बन जाएगा। या फिर आपने कंडक्टर को ऐसे रखा और मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट है तो एंगल कितना बन जाएगा? 180। इन दोनों ही केस में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स भी कितना होगा? जीरो होगा। सो इफ कंडक्टर इज कैप्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेदर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? जीरो। नो फोर्स विल एक्ट ऑन दिस। से Determine force on conductor ABC. Determine force on conductor ABC. हो गया? आप क्या करेंगे? पहले किस पे फोर्स निकालेंगे? AB पर। करंट कितना? लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, गॉस को काय में कन्वर्ट करोगे? टेस्ला में, ठीक है। साइन थीटा, थीटा कितना? 90। क्यों? कंडक्टर जो रखा है वो कागज़ के प्लेन में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर है। नहीं आ समझ में? दोनों के बीच में एंगल 90। कितना आ रहा है? आप सॉल्व कर लो, इतने न्यूटन आ जाएगा। ये फोर्स ए बी आ गया। ए बी पर ऐसी फोर्स किस पर? बी सी पर। करंट कितना? लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन निकालो, ए बी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ए बी फोर्स की डायरेक्शन क्या है? हमने क्या करा? करंट के डायरेक्शन में दाया हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर से निकली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो कंडक्ट ये करंट के डायरेक्शन में ए बी पर।
करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अतले से निकली, अंगूठा कहाँ गया? इस तरफ। सो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? राइट वर्ड कहो, समझ में आया? कंडक्टर पर करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा कि मैग्नेटिक फील्ड अतले से निकली, अंगूठा गया इधर तो फोर्स इधर लगेगा। चलो बीसी पर बोलो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? करंट डायरेक्शन में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अतले से निकली, अंगूठा कहाँ गया? तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? होगी तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों चूंकि परपेंडिकुलर हैं तो एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। बोलो ठीक कर लिया होगा? डन। चलो ये कंडक्टर है जो कागज के प्लेन में रखा, सर्कुलर लूप है एक्चुअली। क्या है तुम्हारे पास? एक सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आर है और जिसमें आई करंट फ्लो रहा है। कितना करंट फ्लो रहा है? कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड है। कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर ये क्या है? डिटरमाइन फोर्स ऑन दिस सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप पर क्या बताना है? फोर्स बताना है। आया? कितना फोर्स लगेगा? सिंपल, आई लेंथ कितनी, बी एंगल कितना, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना। सुनाई कम पड़ता है मेरे को, मैंने सिंपल सी बात पूछी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना। तो इतने देर काहे लग रही है भैया? सर्कल में वायर की लेंथ इतनी होगी ना, 2πr नहीं होगी सर्कमफेरेंस। इतना सिली सा क्वेश्चन करने में इतनी देर लग रही है हमको? कंडक्टर की लेंथ कितनी है? 2πr है कि नहीं है? कहाँ दिक्कत है फिर? फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात सही है कि ऐसा कुछ हम कर देते हैं और आंसर आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। मसला ये है कि अपन एक काम करते हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स लेते हैं अपोजिट वाले। अब जरा यहाँ देखो, इसमें क्या होगा? कंडक्टर के ऊपर करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अतले से निकली, फोर्स क्या लगा? ऊपर। बोलो, करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अतले से निकली, फोर्स लगा ऊपर। इधर करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अतले से निकली, फोर्स क्या लगा? नीचे। इधर करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अतले से निकली, फोर्स क्या लगा? और इधर क्या होगा? करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अतले से निकली, फोर्स लगा। ये सब क्या होने वाले? जैसे इस पर फोर्स ऐसा लगेगा तो इस पर ऐसा लगेगा, इधर ऐसा लगेगा तो इधर ऐसा लगेगा। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और नेट फोर्स कितना लगेगा भाई? फोर्स सब पर लगेगा, फोर्स यहाँ भी लगेगा, फोर्स यहाँ भी लगेगा, फोर्स यहाँ भी लगेगा, फोर्स हर जगह लगेगा। लेकिन मसले की बात है कि आमने सामने फोर्स की रिएक्शन क्या होगी? सो दे विल कैंसल ईच अदर। एंड नेट फोर्स कितना होगा? कितना होगा कर लीजिए। जी नेट फोर्स कितना लगा? हाँ जी, अब ये तुम्हें स्मरण रखना है कि जब भी कभी किसी भी करंट कैरिंग लूप को, जब भी कभी किसी भी करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप को, जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर हो, हो सकता है वो सर्कल हो, हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है वो कोई भी रैंडम शेप का ही क्यों ना हो, जब भी कभी किसी करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। कौन सी फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसी होना। वन एवर एनी करंट कैरिंग लूप इज कैप्ट इन एनी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखाओ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखाओ, उसके अलॉन्ग रखाओ, उससे किसी एंगल पर रखाओ, उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? कितना होगा लिख लीजिएगा। वन अ कैरिंग करंट कैरिंग क्लोज लूप, वन अ करंट कैरिंग क्लोज लूप, वन अ करंट कैरिंग क्लोज लूप इज कैप्ट इन
external uniform magnetic field. When a current carrying closed loop is kept in external uniform magnetic field at any angle, when a current carrying closed loop is kept in external uniform magnetic field at any angle, then net force acting on the loop is zero. आपने करंट कैरिंग क्लोज लूप को लिया है, कौन से लूप को लिया है, क्लोज लूप का, कोई भी शेप का हो, और कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. फोर्स कितना रहेगा, क्लोज लूप को अंडरलाइन करो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अंडरलाइन करो, क्लोज लूप को अंडरलाइन करो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अंडरलाइन करो. ठीक है, किसी भी एंगल पर क्यों ना रखा जाए, नेट फोर्स उस पर जीरो ही लगेगा. डन. तुमने ये देखा था कि जब कभी किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, क्लोज कॉइल को, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती. नेट फोर्स कितना लगता है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लगता. लेकिन उस पर फोर्स तो नहीं लगेगा, लेकिन उस पर क्या लगेगा, उस पर टॉर्क लगेगा. मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स तो नहीं लगाएगी, लेकिन क्या लगाएगी उसके ऊपर, टॉर्क. और कितना टॉर्क लगाएगी, हाउ मच टॉर्क वुड एक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल. भाई इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज कैप्ट इन, इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज कैप्ट इन, इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन हाउ मच नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जीरो, कोई फोर्स नहीं लगता. किंतु परंतु क्या लगता है उस पर, टॉर्क. और टॉर्क कितना लगता है बता रहा हूँ, टॉर्क लगेगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. जैसे आपको याद है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो नेट फोर्स जीरो लगता था. अगर तुमने इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नेट फोर्स कितना लगता था, लेकिन टॉर्क लगता था पी क्रॉस ई. तो जो काम वहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल करता था वो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल करेगा. वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल है, बोलो. और ये कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा. थीटा किसके बीच का एंगल होगा, मैग्नेटिक, ये जो है वहाँ डायपोल मूवमेंट होता था, पी पी बोलते थे डायपोल मूवमेंट, ज़्यादा प्रिसाइज बोलो तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, बोलो. और यहाँ क्या होगा, एम जो है वो क्या है, वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था, यहाँ जो एम है दिस वी कॉल एज मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल, कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट. और वो कितना होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो होगा एन आई ए. एन क्या है उसमें, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, आई क्या है, ठीक है, और ए जो है वो कॉइल का क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई इसमें से बहने वाला करंट, और ए क्या है उसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया. बोलो, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई इसमें से बहने वाला करंट, और ए क्या है उसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया. बोलो, ठीक है. तो यहाँ इस तरीके से आएगा, ये कर लीजिए. हाँ जी, एन क्या है कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है उसका करंट, और ए क्या है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब इसकी यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की, यूनिट क्या बनेगी, बोलो, यूनिट क्या बनेगी, बोलो भैया शशांक,
ऐसा मत करो यार, कितना सिर दुखाऊंगा मैं अपना। बोलो सार्थक, क्या था इसमें? एन नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कि एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट होनी नहीं है। करंट की एम्पियर है, एरिया की मीटर स्क्वायर है। यूनिट आ गई इसकी, और ये जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है ये। और वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है? डायरेक्शन निकालने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप क्या करो, जो भी आपके पास में लूप है, आप उसमें करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ दो। आप उस लूप पर क्या कर दो, करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ दो। मोड़ दोगे? आपने उंगलियाँ मोड़ दी है, लो करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ो। अंगूठा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताता था, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जो इसने प्रोड्यूस करी है? यहाँ पर ये वो वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं जो इसने खुद ने प्रोड्यूस करी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? एक्सटर्नल वाली है। बोलो ना, ये करंट कैरिंग लूप खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पर खुद के कारण खुद पर टॉर्क। सो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? सर करंट का डायरेक्शन उंगलियों को मोड़ दो, करंट का डायरेक्शन उंगलियों को मोड़ो, करंट का डायरेक्शन उंगलियों को मोड़ो, करंट का डायरेक्शन उंगलियों को मोड़ो, करंट का डायरेक्शन उंगलियों को मोड़ो। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती थी निकालते थे कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही करंट के डायरेक्शन उंगलियों को मोड़ो, अंगूठा जो होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन बताएगा। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है। नेचुरल सी बात है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? कॉइल के परपेंडिकुलर होगी, वो किसके डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा डेफिनेटली इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। वो कॉइल के क्या है? बोलो, जिंदगी की यही री। कर लिया? तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा कॉइल के क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई ए होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये मैंने पहले भी कहीं पढ़ाया था। कहाँ पर पढ़ाया था? बोर एटॉमिक मॉडल में हमने बकायदा इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ है और एंगुलर मोमेंटम का रेशो निकाला था। क्या आया था वो रेशो? ई अपॉन टू एम, जो मैंने कहा था हमेशा फिक्स रहता है, बताया था मैंने। मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो हमेशा फिक्स है, क्यू अपॉन टू एम होता है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये कौन सी क्वांटिटी साहब? वेक्टर क्वांटिटी है ये, है ना? और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? मैग्नेटिक कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। जाहिर सी बात है, यहाँ थीटा कौन सा एंगल है? यहाँ थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। बोलो, है या नहीं? और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा होता है? कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। सो हम बोल सकते हैं कि थीटा जो है, दिस इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू कॉइल एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। थीटा किसके बीच का एंगल है? कॉइल के प्लेन के कॉइल के प्लेन का परपेंडिकुलर, कॉइल का प्लेन का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, थीटा यहाँ पर किसके बीच का एंगल है? कॉइल के प्लेन का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड। डन, ठीक है। हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड लिखना था मुझे, सही है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी। ठीक भैया, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। जैसे अब यहाँ पर अगर मेरी बात सुनिए, जैसे ये कॉइल है, कॉइल सपोज ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इसके परपेंडिकुलर है, और ये कॉइल है ऐसी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। ठीक है,
तो बताओ यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, इस केस में थीटा कितना रहेगा? जीरो रहेगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल ऐसी रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसी आए, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो या इधर आएगा या इधर आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर आता, दोनों के बीच में एंगल कितना बना? इस केस में एंगल जीरो बनेगा या फिर 180 बनेगा, और इस कारण से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। और टॉर्क भी कितना आएगा? तो टॉर्क मिनिमम होगा। नहीं आया समझ में? आया भाई? देखो ये कॉइल ऐसी रखी हुई है, कॉइल इज कैप्ट लाइक दिस, कॉइल ऐसी रखी हुई है, करंट उसमें ऐसा पास होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आ जाएगा, करंट ऐसा पास होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आ जाएगा। अल्टीमेटली मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या तो एंगल 180 बनेगा या फिर जीरो बनेगा, या तो एंगल जीरो बनेगा या फिर क्या बनेगा? तो क्या होगा? टॉर्क की वैल्यू जीरो आ जाएगी मिनिमम। हाँ जी, दूसरा केस यहाँ पर कौन सा बनेगा? 90 बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, यहाँ मिनिमम टॉर्क आएगा और वहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क। बोलो। जिंदगी की